दिसंबर की रात, और बेचारी अपने घर की इकलौती कमाने वाली लड़की थी, ड्यूटी से आ रही थी। पुलिस वाले भी इंसान है, उनका भी खून खौलता है। कानून के भाषा में पुलिस के इस कृत्य को अपराध कहा जाता है, क्योंकि पुलिस ने गलती किया। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखिएगा तो हत्या और वध में अंतर होता है। अरेस्ट करेगा और जज के पास भेज देगा। जज देखेगा 302 मर्डर किया है या 307। जैसे 307 देखेगा तो पूछेगा मेडिकल रिपोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट है? देखेगा नहीं है, मतलब नॉर्मल चोट लगा होगा। मेडिकल रिपोर्ट है, बाप रे हड्डी टूट गई, दो गोली लगी। तुरंत कहेगा इसको क्या बोलो, जेल में भेजो। क्या भेजो? जेल में। क्या उस स्थिति में जज उनको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। दामिनी की जो हत्या हुई थी 2012 में, जज छोड़ देगा? अभी जो लखनऊ दिल्ली में हुआ है, लड़की को कई किलोमीटर घसीट के ले गया है, अब वो अरेस्ट होंगे तो जज छोड़ देंगे? हाँ, ले जाएंगे जज के पास, दिखाएगा 12 किलोमीटर तक घसीट के ले गया है यहाँ पे, उसके बाद मर्डर हुआ है यहाँ पे, एकदम भयानक मर गई है बेचारी लड़की, जज छोड़ देंगे? अब कहाँ भेज देंगे? जुडिशियल कस्टडी, जल गया जेल में। और जेल पुलिस के अंडर में होता है? हाँ, किसके अंडर में? जज के अंडर में होता है। किसके अंडर में चला जाए? जज। अब एक बात बताइए, जो दिल्ली की घटना को अगर देखा जाए, चूंकि वो अभी करेंट ही घटना है, साल की शुरुआत में ही था, 31 दिसंबर की रात, यानी साल का पहला दिन था, 2 बजे, तो यही एकदम समझिए कि साल का पहला ही दिन था। और बेचारी अपने घर की इकलौती कमाने वाली लड़की थी, ड्यूटी से आ रही थी। ऊपर वाले का ना कभी कभी सब कुछ सही लगता है, मैनेजमेंटवा खराब लगने लगता है, कि किसी को इतना भी नहीं सताना चाहिए। खैर, अब उस घटना को जोड़ के चलते हैं। अब वो तो चल गया आदमी जेल में, अब पुलिस को जज कह देंगे तुम जांच करो, तो जांच करेगी पुलिस, तो पुलिस देखेगी कि यहाँ लड़की का बॉडी जहाँ रगड़ाया होगा वहां से पकड़ेगी, कहीं कहीं डेंट पेंट लगा होगा उसको पकड़ेगी, फिर पुलिस कंफ्यूज होगी। अब लड़की तो जिंदा है नहीं, अब पुलिस कंफ्यूजन में है कि इसको लड़ाया कहाँ था, तो पूछताछ करेगी कि इसको रात में, या तो एक्सीडेंट करने वाला था, या तो बेचारी लड़की मर गई वो थी, तो अब आएगी नहीं, अब किससे पूछताछ होगा? जो कचारा है, अर्जुन कचारा है, अपन जेल में है। अब पुलिस जेल में जाएगी तो जेलर भगा देगा, नहीं ऐसे जेल में आ गया तो थाना है, ये जेल है, जज साहब से पूछ के आओ, ना तो अंदर झांकने ना देंगे, पूछ के आओ झांक ले, तो इसे जज कहा 2 मिनट झांक ले। जज पुलिस जेल किसके अंडर में होता है? अब बताओ, पुलिस तो फंस गई, अब पुलिस सबूत कहां से जुटाएगी? अच्छा, पुलिस पूछेगी ना, रे चोट्टा कहीं तुम इतना 12-13 किलोमीटर घसीटा क्यों? तू बताएगा ना कि हमको नहीं पता चला, या कोहरा था, या उस ससुरा पियक्कड़ था, पी लिया था, 1 जनवरी को कई को पियो लेता है सब, समझ में आ गया कि नहीं? अरे यार, उस दिन तो नहीं पीना चाहिए, कम से कम वही दिन वहां पी लेता है सब, पी लिया, इसके लिए चाहिए ना वो आदमिया को लिए। हाँ, तब क्या करेगा? तब इंस्पेक्टर जाएगा कहां पे? कोर्ट में, कहेगा जज साहब हम जो आदमिया जो आप जेल में भेजे हैं ना, वो आपका जेलर पकड़ के नहीं लाया था, ना आप पकड़े थे ना आपका वकील, हम ही पकड़ के लाए, तो हम उसका डिमांड नहीं कर रहे हैं, रिमांड कर रहे हैं, मतलब हम ही पकड़ के दे दिए थे, तो हमको उसका डिमांड नहीं है, रिमांड चाहिए, वो जेल में से निकालिए तो तरीका से पूछताछ करना है, तो 15 दिन के लिए पुलिस क्या मांग सकती है? रिमांड। तो अब आता है पुलिस रिमांड, पुलिस रिमांड, यही होता है सबसे खतरनाक तांडव, यही पे सारा कुल कांड हो जाता है यहां पे। पुलिस रिमांड कितने दिन के लिए? लेकिन जज साहब देते हैं कितना दिन? 14 दिन, 14 दिन के लिए देते हैं। पुलिस रिमांड होता है कितने का? 15। आप देते हैं जज साहब कितना? 14। एक दिन जज कहता है पहले ही पहुंचाओ, नहीं तो तुम सोचा तुमको 15 देंगे तो तुम 16वां दिन लाएगा, कहेगा गाड़ी पंचौती है था उता। तो पुलिस रिमांड 14 दिन के लिए। तो जज साहब लिख के देंगे ऑर्डर पे, ऑर्डर शीट यहाँ पे, कि कैदी नंबर इतना, FIR संख्या इतना, में जो गिरफ्तार अभियुक्त था उसे पुलिस रिमांड को सौंपा जाए, और पुलिस को पर्चा फाड़ के दे देंगे, और एक कॉपी चली जाएगी जेल में। एक कॉपी किसको मिल गया? जेलर को। एक कॉपी पुलिस का हवलदार अपना गाड़ी लेके, वही कमांडर टूटा ढड़ करने वाला लगेले रहेगा, और उसके बाद से दिखाएगा जेलर को, दीजिए। तो अब जेलर को पता है कि कोई दिया कोने रूम नंबर में है, लिया हो जा बाबू, दोबारा आ पाएगा कि नहीं, कोई नहीं है, जाए आप ले जाएगा, उससे साइन इन कराएगा, डेटर भरवाएगा, और दे देगा किसको? पुलिस को। अब उसके बाद बैठाएगा किस में? जी इधर चला मैं उधर चला, किधर चला कोई नहीं पता यहाँ, इसी में सारा कांड होता है। इसमें पहले पुलिस आराम से उससे पूछ लेती है, बबुआ तुम कहां से कचारा था, क्या था, क्योंकि पुलिस को ही पता है कि पता नहीं इसका अंत क्या होगा, इसलिए पहले पूछ लो, पूरा पूछ लेती है। अगर बहुत जघन्य अपराध रहता है ना, तो पुलिस वाले भी इंसान है, उनका भी खून खौलता है। आपको क्या लगता है इनका इलाज नहीं करेगा सभी जो 12 किलोमीटर लड़कियों को घसीटे हैं? इनका तो ऐसे इलाज करेगा इसे बांध के, इसे हाथों में, आ इसमें लठिया जो होता है ना, इसमें वो बढ़िया से देखो बता, आई हो गया ना, इसमें लठिया लेके मारेगा एकदम भयानक से,
इतना मारेगा टंगा जाएंगे पूरा वजन लेके यहाँ पे, रात भर छोड़ देगा। और सुबेरे आके क्या हाल चाल है, बाप बाप चिल्लाएंगे अरे छोड़ दो आप, उसको पता है 14 दिन में सब घाव खत्म हो जाएगा। समझ आएगी नहीं, हड्डी तक जाएगा तब ना मांसुआ पकड़ के एकदम इसके ऊंट देगा एकदम यहाँ पे, यहाँ हड्डी नहीं होता है। बहुत बढ़िया से इलाज होगा किसमें, पुलिस रिमांड। समझ में आ गई नहीं, किसमें पुलिस रिमांड, इसी में गाड़ियों पलट सकती है। हैदराबाद एक प्रियंका करके कोई प्रियदर्शी कर उस ससुराल उसको बस ट्रक का क्लीनर था सब रेप करके जिंदा जला दिया। पुलिस पकड़ी क्योंकि खतरनाक अपराध था, फिर भी पुलिस को FIR लिखना है, पुलिस को था गिरफ्तार करो और जज के पास ले जाओ। पुलिस गिरफ्तार की, मामला हाईलाइटेड था, 24 घंटे के अंदर जज को लेके चल गए। पुलिस पहले इंट्रोगेशन के लिए बुलाई थी, ये क्या आ गया जी, उसका कस्टडी ली, अरेस्ट करके जज को भेज दी। जज साहब कहाँ भेज दिए, जेल। क्या जज उनको बेल देगा, जज क्या दे दिया, जेल। अब पुलिस कही कि ससुरा उस लड़की का किडनैप कहां से किया था, कहां पर लड़की को ले जाके जिंदा जलाया था सब, कि इतना पूरा लाश जल गया कोई देखा नहीं। तो दरोगा गए जज साहब के पास, सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहां से लड़की का अपहरण किए थे सब, कहां पे ले जाके जलाए सब, क्या कौन कौन इनका साथ दिया, हमको इनसे पूछताछ करना है और सीन को रिक्रिएट करना है ताकि हम सबूत जुटा सके। जज साहब दिए ठीक है रिमांड 14 दिन का ले जाओ। पुलिस आई उनका रिमांड किया, जो बेटा आ जा। पहले दरोगा पुलिस उसको खूब अच्छा से पूछताछ की, सारा चीज पता चल गया कि यही अपराधी है, कंफर्म हो गया, पुलिस अपने ओर से कंफर्म हो गई। रात को 2 बजे पुलिस ले गई उसी जगह पे, कही बताओ कैसे कैसे, उसका पुलिस कही भागो धाए धाए धाए, रिपोर्ट लग गया कि इनकाउंटर भाग रहे थे पुलिस की बंदूक छीन के साथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कानून के भाषा में पुलिस के इस कृत्य को अपराध कहा जाता है क्योंकि पुलिस ने गलती किया। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखिएगा तो हत्या और वध में अंतर होता है, पुलिस ने हत्या नहीं किया था वध किया। लेकिन अगर दूरदर्शिता के रूप में सोचिएगा तो पुलिस को अगर ऐसा खुला छूट दीजिएगा ना तो पता चलेगा कि तब गुंडे बदमाश नहीं, लोग पुलिस से कहेंगे मरवा दो। इसलिए जज का अपने जगह पे होना सही है कि अपराध कानून को सजा देने का अधिकार केवल जज को होना चाहिए, पुलिस को नहीं। तो अभी आप लोग युवा हैं, थोड़ा युवाओं का ना खून बहुत जल्दी खौलता है और वो दूरदर्शी नहीं सोचते हैं। आप सोचिए अगर ये चीज पुलिस को दे दीजिएगा तो 1 साल बहुत अच्छा होगा, 1 साल के बाद पुलिस वाले आप ही से कहेंगे किसको, चाचा को मारना है 10 लाख। चाचा कहेंगे हमारा रिश्वत दिया है 15 लाख। बहुत ऐसी घटना बांग्लादेश में हो चुकी है, बांग्लादेश पुलिस ने अपराध से बचने के लिए ऐसे ही छूट दे दिया था, 1-2 साल के बाद वो लोग बांग्लादेश के लिए काल बन गए थे, बहुत दिक्कत हो गया। तो ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन आपको ऐसे पता रखना। और अगर पुलिस रिमांड पे गए, इसका पूछना है बकुला का, पुलिस रिमांड पे ले जाता है तो थाना में मारता है कि कहां मारता है, उसका एक अलग व्यवस्था रहता है क्योंकि पुलिस का तो 50 गो थाना है, उसको पता है कि एक के थाना में नहीं मारना है, एक दो लाठी वो थाना में, 2 ये ठाई थाना में, जगह जगह अलग अलग व्यवस्था रखे रहते हैं सर। अब मस्त हूक के पीटता है सर, वहां बहुत बुरा मार मारता है यहाँ। हाँ मर गए तो कौन पूछता है जी आपको, हम अभी बता रहे हैं कि लगभग 4 से 5 हजार के संख्या में कस्टोडियल डेथ होता है इंडिया में। तो आपको एक का चिंता है, यहाँ हर साल उतना होता है कस्टोडियल डेथ, कभी नेट पे सर्च कीजिएगा 2022 में टोटल कितने कस्टोडियल डेथ हुए थे, तो आपको आराम से ये संख्या 4-5 हजार के आसपास मिले, मतलब 4-5 हजार नहीं तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, 3 हजार तो आपको मिलना ही मिलना है कस्टोडियल डेथ। बहुत होते हैं सब, अक्सर सुनते होंगे ना कि जेल में बंद था, पैजामा खोल के उसका नारा से फांसी लगा दिया, जो जब पैजामा के नारा से फांसी लग रहा है। पुलिस रिमांड भी जरूरी है, पुलिस रिमांड भी जरूरी है। पता चला जिसकी हत्या हुई मर गया और जो मर्डर किया वो जेल में है, तो पुलिस का कोनो फरिश्ता है का, बता भगवान कैसे कैसे हुआ था, पुलिस जांच कैसे करेगी। आधा तो पुलिस रिमांड पे बहुत अच्छे से पता कर लेती ना, 4 गो आदमी अपराध किया ना तो पहले अकेले अकेले पूछेगी, अकेले अकेले, एक साथ नहीं अकेले अकेले, तो तनी सा ऊ बक देगा, तनी सा ई बक देगा, तनी सा ई बक देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसके बाद दुदू को बैठा के पूछेगी कि वो तो ऐसे बोल रहा था, ये ऐसे बोल रहा था, धीरे 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 भंडा फोड़ के खत्म कर लेती है वहां। हाँ देखिए पुलिस वगैरह का भी अपनी वो चीज होती है, ठान लेते हैं तो तब का ये देते हैं। देखे थे सुशांत सिंह का मैटर बहुत हाईलाइटेड होगा और बहुत सारा उसमें राजनीतिक कारण थे, क्या हुआ क्या नहीं, ये बहुत गड़बड़ बात है क्योंकि देश के देखिए बहुत होनहार अपने उसमें इस चीज से उतरिए कि बिहार के भारत के थे। समझ में आए ना, ये इस जब जैसे आप इस भावनाओं को बोलते हैं ना कि वो केवल बिहार के थे तो आप अपनी क्षमताओं को सीमित करते हैं, चाहे कहीं के भी हो वो पूरे भारत के वो एक हीरा थे। समझ में आए कि नहीं आ गया। तो
इस चीज से अब थोड़ा सा आपको ऊपर उठना है। आपने जाति धर्म जिला राज्य से ऊपर उठ के एक फीलिंग रखिए देश के। अगर आप कहेंगे कि बार बार प्रेस करिएगा बिहार के, तो बिहार के, तो पंजाब का आदमी क्या सोचेगा? अरे यार तुमको अपने ढेर चिंता है, समझ में आ गई ना? थोड़ा बहुत लिमिटेड हर इंसान को अपनी जगह से लगाव होता है, नो डाउट, लेकिन इतना ना लगाव हो कि वो पक्षपात दिखने लगे। लगाव ज्यादा, हाँ ठीक है, बिहार हमारे भारत का ही है। यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत क्या केवल भारत के लिए थे? हर एक नए युवाओं के लिए एक उम्मीद थे, जिनके खानदान का कोई भी बॉलीवुड में नहीं है, उसको भी एक सपना जग गया था कि अब वो भी जा सकता है वहां पर और एक बड़े पर्दे पे जा सकता है। खत्म हो गया कहानी यहाँ पर।